हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट। जब आप प्रिपेयर करोगे बजट को, तो क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, किन किन प्रोसेस के जरिए जो है एक बजट तैयार होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप नोट्स खरीद सकते हैं, सारे के सारे पेपर्स के, आई मीन इग्नू के, बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, सारे के सारे पेपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं। आप हमसे परचेज कर सकते हैं। फोन नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द नोट्स। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना। तो जब भी आप बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बजट को क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज को प्रिपेयर करने के पीछे, ये आपका क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको ये डिफाइन करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस बजट को प्रिपेयर करने के पीछे। द ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटन वेल एंड डिफाइंड प्रिसाइजली, स्टेटिंग द एरियाज ऑफ कंट्रोल एंड आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए। आपको ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से एरिया है जिनको आप कंट्रोल करोगे, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे और एक्सपेंडिचर कहाँ को होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये सारी की सारी चीजें जो है आपके डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है आपको स्टार्टिंग में करनी है। दूसरा प्रोसेस का जो स्टेप है वो ये है कि लोकेशन ऑफ द की फैक्टर, है ना, आपका जो की फैक्टर है उसका लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। सो की फैक्टर इज अ फैक्टर विच सेट्स अ लिमिट टू द टोटल एक्टिविटी। तो की फैक्टर एक फैक्टर होता है जो कि आपकी टोटल एक्टिविटी को एक तरीके से हॉल्ट पे डाल सकता है ना, ठीक है, उसको लिमिट कर सकता है। इट कैन बी द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, हो सकता है वो पावर अवेलेबल ना हो, मनी अवेलेबल ना हो, कुछ सर्टेन रॉ मटेरियल्स अवेलेबल ना हो जिसके कारण से आपका काम जो है वो रुक सकता है। दिस की फैक्टर नीड्स टू बी लोकेटेड एंड एस्टिमेटेड प्रॉपरली। तो इसके बारे में आपके आपके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की पॉसिबिलिटी फेस करनी पड़ती है, कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, वो सारी चीजें जो आपके पास क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, इस फैक्टर को लोकेट करना कि कौन सा की फैक्टर है, और इसको एस्टिमेट करना कि कितना किस हद तक जो है हमें जूझना पड़ सकता है उस प्रॉब्लम से, इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में बोला आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर। सो आफ्टर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग अबाउट द इकी फैक्टर्स, द सीनियर एग्जीक्यूटिव मस्ट बी असिस्टेड टू ऑब्टेन हिज एक्सपर्टीज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, है ना। सो आफ्टर डिफाइन, जब अपना अपना ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लिया और की फैक्टर आपने सोच लिया, उसके बाद एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करने, अपॉइंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप कंट्रोलर को अपॉइंट करते हो जो कि आपके फंक्शनिंग को एक तरीके से देखता है, आप उनसे एक्सपर्टीज लेते हो, जो भी उनके एक्सपर्टीज है उनका इस्तेमाल करते हो फॉर योर वर्क, राइट। सो द कंट्रोलर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बजट प्रोग्राम्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द बजट मैनुअल। तो कंट्रोलर एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन को लेकर के एंड डेवलपमेंट ऑफ बजट प्रोग्राम को लेकर के। बजट प्रोग्राम को डेवलप करने का काम उसका है, बजट मैनुअल को प्रिपेयर करने का काम उसका है, तो वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है बजट मैनुअल, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। सो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ बजट मैनुअल। बजट मैनुअल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग की इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्वड इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो बजट मैनुअल क्या होता है, बजट मैनुअल बहुत ही आसान सी चीज होती है। इस बजट मैनुअल को आपको तैयार करना होता है आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर। बजट मैनुअल में होता क्या है, यहाँ पे ये सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जहाँ पे आप अपने प्लानिंग प्रोसेस के बारे में जानकारियां होती है, किस तरीके से आप चीजों को करोगे, आपका अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद का स्टेप क्या होगा, उसके बाद का स्टेप क्या होगा। तो पूरे के पूरे प्लानिंग प्रोसेस को एक तरीके से बजट मैनुअल में लिखा जाता है। बजट पीरियड, तो पीरियड मतलब यहाँ पे समय की बात हो रही है, एक साल, छह महीने, कुछ भी हो सकता है। सो आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट द बजट मैनुअल, द बजट पीरियड नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द बजट कमेटी। तो बजट कमेटी का काम हो जाता है बजट मैनुअल को तैयार होने के बाद कि वो पीरियड डिसाइड कर लें कि इस पीरियड में हम इस काम को करेंगे तो क्या बजट बनेगा। सो द पीरियड कवर्ड बाय द बजट इज नोन एज द बजट पीरियड। तो जो पीरियड, जो टाइम वो लोग कवर करते हैं बजट को तैयार, आई मीन नॉट बजट को तैयार करने में या उस काम को कंप्लीट करने में, उसको एक तरीके से बजट पीरियड बोला जा रहा है। द लेंथ ऑफ द बजट पीरियड इज डिसाइडेड बाय द बजट कमिटी सूटिंग द बिजनेस पर्पस। तो जो भी आपका बिजनेस पर्पस है उसको सूट करने के लिए बजट कमिटी जो है एक पीरियड डिसाइड करती है, उसी पीरियड में जो है आपका काम होता है और उसी पीरियड का एस्टिमेशन जो है वो बजट में तैयार किया जाता है। ठीक है,
छठा और आखिरी पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट. सो पास्ट स्टैटिस्टिक्स शुड बी स्टडीड एंड अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ सिमिलर कंडीशंस एज दैट ऑफ द पास्ट इन द फ्यूचर ऑल्सो, है ना. तो पास्ट स्टैटिस्टिक्स को ठीक तरीके से स्टडी करना, उनको समझना और उनके जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके जो डेटा है, जो आउटकम है, उनको ठीक तरीके से अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप पास्ट चीजों को ठीक तरीके से समझ पाओगे तो आपका फ्यूचर और बेहतरीन हो पाएगा. इसलिए कहा जाता है कि टू बिकम अ बेटर पर्सन इन फ्यूचर यू नीड टू नो योर पास्ट. आपको आपके पास्ट के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस के लिए भी वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें अप्लाई होती हैं. सो व्हाइल सेटिंग बजट्स फॉर प्रोग्रेसिव बजट द अचीवमेंट ऑफ द ईयर मस्ट बी एक्सीड That from the earlier years. तो जब आप बजट तैयार कर रहे हो तो जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आपका टारगेट है, वो पिछले साल से ज्यादा ही होना चाहिए. तभी तो आप बोलोगे ना कि आपकी बिजनेस ग्रो कर रही है, आपका बिजनेस जो है अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, आपका बजट जो है वो सक्सेसफुल हो पाया है. तो बजट जो है वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा होगा, आपका एक्चुअल जो आउटकम होगा वो भी प्रीवियस ईयर से ज्यादा होगा, ठीक है ना. तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बजट, प्रिपेयरिंग अ बजट. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया, पूरी जानकारी दी. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो. और मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखो. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. बाय बाय, टेक केयर.